Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of discussing various types of correlation coefficient, this time I am going to discuss partial and multiple correlation. मतलब आंशिक और पूर्ण सहसंब बहु सहसंबंध मल्टीपल माने बहुत सारे फैक्टर्स, पार्शियल माने आंशिक. तो हम लोग बात किस किस पर कर चुके हैं. हम लोग बात कर चुके हैं आपसे स्पीयर, मतलब हम लोगों की बात हो चुकी है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, बाईसीरियल और पॉइंट बाईसीरियल कोरिलेशन कब यूज होता है, और अब हम जानने जा रहे हैं कि मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है. इसके बाद एक और बचा है टेट्राकोरिक और फाई, है ना, तब जाके कोरिलेशन का कोर्स कंप्लीट होगा, कोरिलेशन का सिलेबस कंप्लीट होगा. अच्छा, तो पार्शियल कोरिलेशन क्या चीज है. देखिए कोरिलेशन में कितनी सारी चीजें हमको पता चल रही हैं. वो कह रहे हैं कि मेनी टाइम्स कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज पार्टली ड्यू टू द थर्ड वेरिएबल. कह रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि दो चरों के बीच का जो सहसंबंध है वो तीसरे चर की वजह से होता है, पार्टली ड्यू टू, मतलब थोड़ा बहुत आंशिक रूप से. फॉर एग्जाम्पल कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट इज ड्यू टू एज. वो कह रहे हैं कि हम देखिए हाइट और वेट को लेते हैं ना पॉजिटिव कोरिलेशन के रूप में, कि जब हाइट बढ़ती है तो वेट बढ़ता है, लेकिन इसके पीछे जो एक फैक्टर है थोड़ा बहुत एज भी तो इसको पार्शियली इफेक्ट कर रही है ना, कि भाई एज बढ़ रही है इसलिए ही हमारा हाइट बढ़ रही है इसलिए हमारा वेट बढ़ रहा है. इन सच सिचुएशंस वन मे बी इंटरेस्टेड टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ और मोर अदर वेरिएबल्स. तो कह रहे हैं इन स्थितियों में ऐसा हो सकता है, कोई ये जानने में भी इच्छुक हो सकता है, रुचिकर हो सकता है, रुचि ले सकता है कि ये जो दो वेरिएबल्स के बीच का सहसंबंध है ये तब क्या होगा जब हम तीसरे वेरिएबल को, मतलब ये जो जिसकी वजह से इस पर इफेक्ट आ रहा है थर्ड वेरिएबल या फोर्थ वेरिएबल या ऐसे कई और वेरिएबल हो सकते हैं, उसको हम क्या कर दें, इग्नोर कर दें. यानी कि एज का इफेक्ट अगर ना आए तो हाइट और वेट में क्या रिलेशनशिप है, इस तरीके की बात. तो मतलब क्या कह रहे हैं कि पार्शियल कोरिलेशन स्टडीज दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, यानी कि आंशिक सहसंबंध में हम इसी तरीके की स्थितियों का अध्ययन करते हैं जब दो चर एक दो चरों के बीच का जो सहसंबंध है वो थोड़ा बहुत आंशिक रूप से किसी तीसरे चर की वजह से है. तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो जो तीसरा चर है उसके इफेक्ट को अगर नलीफाई कर दिया जाए, उसके इफेक्ट को अगर हम खत्म कर दें तो हम तो इनके बीच का सहसंबंध क्या होगा. पार्शियल कोरिलेशन स्टडीज दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. इन फैक्ट पार्शियल कोरिलेशन इज द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स आफ्टर रिमूविंग द लीनियर इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स ऑन देम. यानी कि पार्शियल कोरिलेशन सिंपली अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि ये दो चरों के बीच का सहसंबंध है जब हम तीसरा चर जो इस पर प्रभाव डालता है उसके इफेक्ट को हमने रिमूव कर दिया है, नलीफाई कर दिया है, पार्शियल कर दिया है तब. Let us consider the case of three variables. मान लीजिए तीन चरों की हम बात कर रहे हैं, x1, x2 और x3. Sometimes the correlation between two variables x1, अच्छा ये 1 जो है ना ये नीचे छोटा लिखा होना चाहिए था, ऐसे छोटा सा, लेकिन ये ऐसे बराबर में आ गया. तो between two variables x1 and x2 may be partly due to the correlation of a third variable x3 with both x1 and x2. वो कह रहे हैं कि तीन चर हैं, x1 एक का नाम दे दिया, एक का x2 दे दिया, एक का x3 दे दिया. तो वो कह रहे हैं x1 और x2 के बीच में जो सहसंबंध है वो थोड़ा बहुत x3 की वजह से है. इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वन मे बी इंटरेस्टेड टू स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 व्हेन द इफेक्ट ऑफ x3 ऑन ईच ऑफ x1 एंड x2 इज इलिमिनेटेड. वो कह रहे हैं कि हम ये जानने में इच्छुक हैं कि x1 और x2 के बीच का जो सहसंबंध है वो तब क्या होगा जब हम x3 के इफेक्ट को खत्म कर दें. दिस कोरिलेशन इज नोन एज पार्शियल कोरिलेशन. इस तरीके के सहसंबंध को हम आंशिक सहसंबंध कहते हैं. The correlation coefficient between x1 and x2 after eliminating the linear effect of x3 on x1 is and x2 is called the partial correlation coefficient. वो कह रहे हैं ये तो पार्शियल कोरिलेशन हो गया, और इसी का जब हम कोफिशियंट निकालेंगे, गुणांक निकालेंगे, तो हम क्या कहेंगे, x1 और x2 के बीच के सहसंबंध का गुणांक जब हमने x3 के इफेक्ट को खत्म कर दिया है, इसी को पार्शियल कोरिलेशन कोफिशियंट कहते हैं. समझ में आ रही बात. अब इसका फॉर्मूला और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन कंप्यूटिंग द कोरिलेशन बिटवीन एंग्जाइटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंटेलिजेंस. देखिए एंग्जाइटी और एकेडमिक अचीवमेंट में कोरिलेशन है ना भाई, कि थोड़ी बहुत एंग्जाइटी भी जरूरी है एकेडमिक अचीवमेंट के लिए, लेकिन एंग्जाइटी ज्यादा हो जाएगी तो भी आपके एकेडमिक अचीवमेंट को दिक्कत करेगी, प्रभावित करेगी, लेकिन ये दोनों ही चर बुद्धि से प्रभावित हैं.
बुद्धिमत्ता से प्रभावित है। तो वो कह रहा है बुद्धिमत्ता को अगर हम कंट्रोल कर लें, बुद्धिमत्ता के इफेक्ट को नलीफाई कर लें, तो एन एग्जाइटी और एकेडमिक अचीवमेंट यानी कि चिंता और आपकी जो शैक्षिक उपलब्धि है उसके बीच में क्या सहसंबंध होता है, ये हम जानना चाहते हैं। तो क्या करें, देन कोरिलेशन बिटवीन हम निकालना किस में चाह रहे हैं, एकेडमिक अचीवमेंट एंड एन एग्जाइटी विल बी कंट्रोल्ड फॉर इंटेलिजेंस। जब हम हमने एकेडमिक अचीवमेंट को ए दे दिया, एंग्जाइटी को बी दे दिया और इंटेलिजेंस को सी टर्म दे दिया, तो कह रहा है ए और बी के बीच का सहसंबंध निकालना है सी के इफेक्ट को नलीफाई करते हुए। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एकेडमिक अचीवमेंट ए एंग्जाइटी बी डॉट इंटेलिजेंस आर। मतलब एकेडमिक अचीवमेंट और एंग्जाइटी के बीच का संबंध देखना है, डॉट लग गया, इसके बाद जो भी आएगा उसके इफेक्ट को नलीफाई किया जा रहा है। टू कैलकुलेट द पार्शियल कोरिलेशन आर पी वी विल नीड अ डेटा ऑन ऑल थ्री वेरिएबल्स, द कंप्यूटेशनल फॉर्मूला इज एज फॉलोज। इस तरीके का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है ये देखिए, आर पी, ये देखिए आर पार्शियल, आर कोरिलेशन के लिए हमेशा आर लगेगा, पी नीचे है तो पार्शियल, फिर आर ए बी डॉट सी, इसका मतलब ए और बी के बीच का सहसंबंध देखने जा रहे हैं जबकि सी को हमने नलीफाई कर दिया है। ए हमने एकेडमिक अचीवमेंट लिया है, बी एंग्जाइटी दिया और सी इंटेलिजेंस है, तो फॉर्मूला लगेगा ये आपका, क्या लगेगा, आर ए बी माइनस आर ए सी इंटू आर बी सी अपॉन अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर ए सी इंटू वन माइनस आर स्क्वायर बी सी। ये फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद करना होगा, और अगर आपसे पार्शियल कोरिलेशन का सवाल पूछेगा तो वो आपको मान देगा, यानी कि सवाल में दिया होगा आर ए बी क्या है, आर ए सी क्या है, आर बी सी क्या है, सब दिया होगा, और फिर वो आपसे कहेगा कि आर ए बी डॉट सी का मान निकालिए, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले में रख के मान निकाल सकते हैं। आपसे आर ए बी, आर ए सी, आर बी सी नहीं निकालने को बोला जाएगा, बिकॉज वो भी निकाला जा सकता है बट कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा तब, ठीक है। तो आपको आर ए बी, आर ए सी, बी सी, मतलब 1 2 2 3 कुछ भी नाम रखा जा सकता है, ये आपको गणनाएं अंक दिए होंगे और आप इसको बस रख के निकाल लीजिए। आर ए बी में से आर ए, मतलब आर ए सी इंटू आर बी सी का गुणा करके आर ए बी में से घटाइए अपॉन अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर ए सी अपॉन इंटू वन माइनस आर स्क्वायर बी सी, इस तरह से। तो कैसे निकाला जाएगा, इन ऑर्डर टू कंप्यूट द पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन द एकेडमिक अचीवमेंट एंड एंग्जाइटी पार्शियल डाउट फॉर इंटेलिजेंस, वी फर्स्ट नीड टू कंप्यूट द पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ऑल थ्री वेरिएबल्स। तो क्या निकल के आया, कोरिलेशन बिटवीन एंग्जाइटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट इज माइनस 0.369, फिर सी और ए के बीच में यानी ए सी 0.918 आया है, ए बी 0.369 आया है, माइनस 0.369, और बी सी का मान आया है माइनस 0.245। ये आपको सवाल में दिया होगा, फिर आप फॉर्मूले में रख दीजिए, माइनस 0.369 माइनस 0.918 माइनस 0.245 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.918 का होल स्क्वायर 1 माइनस 0.245 का होल स्क्वायर। तो ये आप हल करेंगे तो माइनस 0.375 आपको कोरिलेशन कोफिशियंट आया निकल के पार्शियल, यानी कि अगर आपने इंटेलिजेंस को नलीफाई कर दिया है तो एकेडमिक अचीवमेंट और एंग्जाइटी में नेगेटिव कोरिलेशन है, और नेगेटिव भी बहुत ज्यादा नहीं है, 0.5 से कम, ठीक है। अब मल्टीपल कोरिलेशन किसको कहते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशियंट डिनोटिंग ए कोरिलेशन ऑफ वन वेरिएबल विद मल्टीपल अदर वेरिएबल्स। अभी तो ये बात हो रही थी कि दो वेरिएबल हैं लेकिन किसी तीसरे वेरिएबल का भी उन पर प्रभाव पड़ रहा है, अब ये बात हो रही है कि दो वेरिएबल हैं तो पर उन पर बहुत सारे वेरिएबल्स का प्रभाव है। द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशियंट इज डिनोटेड एज आर। अब आर में ए, ए है, कोई भी चीज है जो भी कंस्ट्रक्ट है उस पर बी सी डी से लेके के तक के वेरिएबल्स का प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि बहुत सारे वेरिएबल्स का प्रभाव है, इसीलिए इसको मल्टीपल कहा है। विच डिनोट्स दैट ए इज कोरिलेटेड विद बी सी डी अप टू के वेरिएबल्स। वो कह रहे हैं कि ए जो वेरिएबल है उस पर किन किन वेरिएबल्स का प्रभाव है, बी का है, सी का है, डी का है, इस तरह से ई एफ जी एच चाहे जितने करते करते के, यानी बहुत सारे का है। For example, we want to compute multiple correlation between A with B and C, then it is expressed as R A dot B C. देखिए, अभी partial में क्या लिखा था? R A B dot C. यानी A और B के पर हम प्रभाव देख रहे थे, C को nullify कर रहे थे। अब इसके सिर्फ लिखने के तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये partial correlation लिखा है, कि ये multiple correlation लिखा है। अब ये क्या कह रहा है? R A dot B C. यानी A पर B और C का प्रभाव है। एक से ज्यादा है तो multiple हो गया। In this case, we create a linear combination of the B and C, which is correlated with A. है ना? B और C दोनों ही A से correlated हैं। हम इन्हीं का संबंध देखना चाहते हैं। We continue with the same example which we have discussed for partial correlation. हम अभी भी इस पे partial correlation वाला ही example लेंगे। This example has academic achievement, anxiety and intelligence as three variables. यही तीन चर थे उसमें। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं?
correlation between academic achievement with the linear combination of anxiety and intelligence is multiple correlation. अब हम academic achievement पर anxiety और intelligence का प्रभाव देखना चाहते हैं, तो ये multiple correlation हो गया. और अभी हम academic achievement और anxiety पे का effect देखना चाह रहे थे एक दूसरे पर, और intelligence को nullify कर दिया था, तो वो partial correlation था. ठीक है, this denotes this denotes the proportion of variance in academic achievement explained by intelligence and anxiety. तो लिखेंगे किसको, इसको कैसे, R academic achievement dot intelligence comma anxiety, मतलब academic achievement पर intelligence और anxiety का प्रभाव देखना है. ये multiple correlation का लिखने का तरीका है. Often it is used in the context of regression where academic achievement is a criteria variable and intelligence and anxiety are called as predictor. जब हम regression prediction पढ़ेंगे तब आप जानेंगे ये चीज, अभी फिलहाल इतना ही जानिए. The multiple R यानी multiple correlation can be calculated for two predictor variable as follows. Predictor variable मतलब जो predict कर सकते हैं, जो भविष्यवाणी बता सकते हैं, जो कह सकते हैं कि इनका प्रभाव इस पर पड़ा होगा. तो R A dot B C यानी R A निकालने जा रहे हैं, जिस B और C का इफेक्ट A पे देखना है. तो फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट आर स्क्वायर ए बी प्लस आर स्क्वायर ए सी माइनस टू आर ए बी आर ए सी आर बी सी अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर बी सी. आप देख रहे हैं कितने सारे फॉर्मूले, मैं तो देख के बोल रही हूँ, मैंने देख के बोल दिया, आपको तो याद करना पड़ेगा सब एक साथ. तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आपको इसमें आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी, कि आप तुरंत आप एक बार भी कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो पार्शियल कोरिलेशन का ये फॉर्मूला है, मल्टीपल कोरिलेशन में ये लगाना है, प्रोडक्ट मोमेंट में ये लगाना है, स्पीयरमैन रो में ये लगाना है. तो बहुत 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 ज़्यादा आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप सही फॉर्मूला लगा पाएंगे, सही फॉर्मूला आपको याद रहेगा, नहीं तो किसी का किसी में लगा देंगे. ठीक, तो आर ए डॉट बी सी का क्या मतलब, मल्टीपल कोरिलेशन हमको निकालना है बिटवीन ए एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी. फिर आर ए बी क्या है, कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी. आर ए सी क्या है, कोरिलेशन बिटवीन ए एंड सी. और आर बी सी क्या है, कोरिलेशन बिटवीन बी एंड सी. बस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपको मान सबके पता ही है, आर ए बी बी सी ए सी सबका मान पता है, आप निकाल दीजिए तो 0.929 आया. देखिए पार्शियल कोरिलेशन कितना आ रहा था, -0.3 समथिंग आ रहा था, और यहाँ पे 0.929 वो भी पॉजिटिव, इसका मतलब बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड है. दिस मीन्स दैट द मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एंग्जाइटी इज 0.93, मतलब हाईली कोरिलेटेड है एकेडमिक अचीवमेंट से क्या, इंटेलिजेंस और एंग्जाइटी, बस इतना ही है. तो बायसीरियल पॉइंट बायसीरियल पर तो सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन पार्शियल और मल्टीपल पर पूछ सकते हैं, क्योंकि छोटा सा फॉर्मूला है अंडर रूट आर स्क्वायर आर ए बी माइनस आर ए बी वन माइनस आर स्क्वायर बी सी ऐसे करके. तो आपको आर ए बी आर बी सी आर ए सी सबके मान दिए ही होंगे, सिर्फ फॉर्मूले में रखना होगा, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. फिर आप और बेसिक डिफरेंस अगर आपसे सिर्फ थ्योरी पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, तो आप बताइए कि पार्शियल कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स पर तीसरे वेरिएबल के आंशिक प्रभाव को नलीफाई करके उनका कोरिलेशन जानना चाहते हैं, जबकि मल्टीपल कोरिलेशन में एक वेरिएबल पर बाकी वेरिएबल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन का असर देखना चाहते हैं. और अभी तो इस फॉर्मूले में हमने आपसे दो ही डिस्कस किए कि एकेडमिक एंग्जाइटी पे सॉरी एकेडमिक अचीवमेंट पे इंटेलिजेंस और एंग्जाइटी का क्या इफेक्ट है, पर ऐसे मल्टीपल है ना, कई सारे हो सकते हैं, तो फॉर्मूला उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा. तो अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आपको आर ए बी आर बी सी आर ए सी के मान देगा, और नहीं तो आपसे थ्योरी पूछेगा इसमें भी पार्शियल और मल्टीपल में भी. तो इतने तरीके के कोरिलेशन तो सबसे ही बड़ा हो गया ना, आपसे स्पीयरमैन रैंक आपको पढ़ा दिया, प्रोडक्ट मोमेंट आपसे आपके कोर्स में है, आपके कोर्स में पार्शियल मल्टीपल है, आपके कोर्स में बाईसीरियल पॉइंट बाईसीरियल, और अब जाके एक बचा है टेट्राकोरिक और फाई, तब जाके कोरिलेशन का कोर्स खत्म होगा, कोरिलेशन का सिलेबस. फिर भी रह जाएगा रिग्रेशन एंड प्रिडिक्शन, वो आसान है, खैर आसान सभी है एक एक करके पढ़ें तो, जब सब एक साथ मिला के पढ़ते हैं तो इसलिए दिक्कत लगती है कि एक बार पढ़ने से तो नहीं आने वाला है. कई बार पढ़ के कंसेप्ट समझिए, कई बार लिख के सवाल लगाइए, कई बार इनके फॉर्मूले याद कीजिए, तब जाकर आप कह सकेंगे कि हाँ आपको ये सब अब आ गया है. ठीक है, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माय साइड.